नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ किया और लगभग 4 महीने पूरे हो चुके हैं। मैं बहुत विश्वास के साथ आप सबको कहना चाहता हूँ, भाई और बहनों, भगवद गीता का जो सार है, जो विचार है, साई बाबा ने साई चरित्र में अपने जीवन में जो अपना जीवन जिया है उसी के बारे में उन्होंने कहा है और उसका आज पहला चरण मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। इन दिनों कुछ ऐसी बातें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो अपने जीवन से समर्पित करने के लिए है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये अंधेरा झटना है मतलब अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति समाधान हर चीज़ में एक एक चीज़ का अहमियत है और महत्व है, वो है अपना जीवन। और अपना जीवन को शांति और सुख समाधान के साथ जीने के लिए साईं बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने जैसे शिरडी में पांव रखा, नीम के पेड़ के नीचे बाबा प्रकट हुए, ऐसा सब लोग कहते हैं। उनका जन्म और मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बारे में तो है लेकिन जन्म के बारे में कहीं लिखित नोंद नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, महापुरुष ऐसे ही प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण से लेके राम तक और मोहम्मद से लेके कबीर तक जो भी महापुरुष जन्मे, जो भी भगवंत प्राप्त हुए, उन्होंने किसी ने मानव के माध्यम से जन्म लिया और कोई ने प्रकट के कारण से जन्म लिया। लेकिन उनको कल्याण एक ही था, मानव जात का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। उनके जीवन में अंधेरा अगर है तो उसमें प्रकाश डालना, यही तो हमारा हो रहा है। हम एक तरफ से लोग वही चाहते हैं, जो इंसान बुरा कर्म करता है उसको भी भगवंत सब कुछ देते हैं और जो अच्छा कर्म करता है उसको भी भगवंत सब कुछ देते हैं। तो मेरे मित्र ने अभी मुझे इस कार्यक्रम में पूछा कि सुनील जी, ऐसा क्यों होता है कि बुरे कर्म वाले को भी भगवान शक्ति क्यों देते हैं? क्यों हिटलर ने इतने लोग मारे, क्यों मुसोलिनी ने इतने अत्याचार किए और आज भी जिन्होंने अपना देश को समर्पित पूरा जीवन जिया उनको महात्मा जी को भी क्यों गोली मारी? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ के लिए जीने के लिए इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। धर्म का कार्य भी होना चाहिए, अर्थ का कार्य भी होना चाहिए, पुरुषार्थ काम का भी कार्य होना चाहिए और मोक्ष का भी कार्य होना चाहिए। लेकिन हमारा वैसे होता नहीं। जब हम ध्यान में बैठते तो मन में बुरे विचार आना शुरू होते, जब बुरे विचार करते तो ध्यान की लक्ष्य लग जाता है। कोई भी इंसान किसी चीज पे स्थिर नहीं कर पाता क्योंकि वो दिशा में चलना नहीं चाहता, उसकी बहुत बहुत समस्या क्रिएट होती है उसके जीवन में, वो समस्या से घिर जाता है। मैं खासकर उन्हीं लोगों के बारे में बातचीत करना चाहता हूं जो अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। बहुत ऐसी चीजें हैं। आज का इस साई वाणी का लक्ष्य है, अपने जीवन का एक ही ध्यान होना चाहिए और वो है परिपूर्णता, सम्यक जीवन, जीवो सम्यकता के साथ। अति वर्जते, अति कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है प्रमाण में करना है, सम्यक के साथ करना है। और इसी को मैं साई वाणी में प्रारंभ करते हुए कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, आज मैं छोटी सी कहानी से आपको शुरुआत करूं। कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है, आप ठीक से उसको समझ लीजिएगा। एक बार एक इंसान शिवजी की बहुत बड़ी आराधना करता है और फिर शिवजी उसको प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी कहते हैं, देख, तूने मेरी इतनी आराधना की, जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय मेरे लिए व्यतीत किया, मैं तुझे प्रसन्न होता हूं। और एक छोटा सा शंख उसको वरदान में दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि तू ये शंख से जो भी मांगेगा उस चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। वो सोचता है भगवान बोल रहे सही है गलत है, देखना चाहता है और फिर कहता है, और उसी समय वो बोलता है कि मुझे घर गाड़ी बंगला मकान सब कुछ चाहिए, सब कुछ हाजिर हो जाता है, खुशी के साथ जिंदगी जीता है। एक दिन उसके महल में एक बहुत बड़े ऋषि आते जो बहुत तपस्या करे हुए थे, नामचीन ऋषि होते, और उस ऋषि के पास एक झोला होता है, वो झोले में एक बड़ा शंख होता है, जो उसके पास शंख होता है उससे डबल बड़ा, गुना दुगना बड़ा शंख उसके पास होता है। और वो ऋषि, वो महान ऋषि, तपस्वी ऋषि, उसको बहुत संभाल संभाल के रखता है। तो ये इंसान पूछता है कि वो शंख में ऐसी क्या खासियत है, आप इतना संभाल संभाल के क्यों रख रहे हो उसको? तो वो ऋषि कहता है, ये शंख बहुत महान शंख है, ऐसा साधारण शंख नहीं है, यह शंख ऐसा है अगर मैं इसको कुछ चीज मांग लेता हूं तो वो दुगनी 2 चीजें दे देता है।
तो इस आदमी के जो महल में पहले जिसका महल था उसके मन में लालच पैदा होता है। वो कहता है मेरा तो शंख छोटा है, ये तो बहुत बड़ा शंख है और सच में ये शंख दुगनी चीजें देता है, दो चीजें देता है, एक मांगू तो दो देता है, एक महल मांगा तो दो महल मिलते, एक गाड़ी मांगी तो दो गाड़ी मिलते। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसके मन में लालच पैदा होता है। वो कहता है महाराज मुझे क्षमा करें, आप तो ज्ञानी है, तपस्वी है, महान है, मेरी एक विनती है आपसे। क्या विनती है? विनती यह है कि आप मेरा छोटा शंख ले लें और मुझे वो बड़ा शंख दे दें। तो आप तो तपस्वी है, आपको तो क्या इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मेरा छोटा ले ले, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे दे दे। वो जैसे कहता है आपकी जैसी आपकी मर्जी, और वो बड़ा शंख उसको देता है और अपना छोटा शंख उसको दे देता है। और वो सुबह सुबह वो ज्ञानी तपस्वी पुरुष वहीं से निकल जाता है। फिर थोड़े समय के बाद सूरज जैसे उगने लगता है उसके बाद वो बोलता है कि मुझे दो महल चाहिए। तो शंख तुरंत सामने से बोल देता है दो क्या मांगता है पगले, चार दे देता हूं। वो तो खुश हो जाता है। फिर थोड़े समय के बाद बोलता है मुझे चार गाड़ियां चाहिए। बोले दो क्या मांग, चार क्या मांगता है पगले, आठ गाड़ियां दे देता हूं। सिर्फ बातें, एक्चुअली कुछ भी नहीं। तो वो सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है। शाम तक वो मांगते चला जाता है चीजें, चीजें के नंबर बढ़े जाते हैं लेकिन चीजें नहीं मिलती। बोलते हैं ना बोलने वाले ही बहुत कुछ होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। भगवान का भी यही है। हमें प्रसन्नता से जो हमारे पास नैसर्गिक शक्तियां मिली है उनकी तरफ ना हमारा ध्यान जाता है, हम सिर्फ दूसरों की तरफ देख के हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों को पहले कहते हैं कि जैसे मैंने कहा अहंकार, उसके मन में अहंकार आया, लालच आया, ग्रीड आई कि मेरा छोटा शंख मुझे एक चीज देता है जो असली है, लेकिन वो नकली के पीछे भागते हैं कि जो सिर्फ बातें करते हैं। भाई और बहनों ये बात को आप समझो, इस बात को मैं अवेयर करना चाहता हूं अध्यात्म की तरफ से कि इंसान की शक्ति में ही भक्ति है और भक्ति में ही साधना है। विज्ञान के साथ जोड़ोगे, श्रद्धा जरूर रखो, लेकिन उस तरह से पीछे मत भागो जो चीज असली नहीं है। असली और नकली की परख होनी चाहिए। मैं छोटी सी और एक कहानी कहना चाहता हूं, कहानी से मुझे बोध और संदेश देना होता है। वो जो बोध देना है वो जरूरी। बताएगा मुझे तेरे भविष्य को नहीं जानना है, मैं तुझे ऊपर निकालती हूं लेकिन मुझे तेरे से कुछ भविष्य नहीं जानना है। कोई किसी का भविष्य नहीं बना सकता भाई और बहनों, अपने को ही अपना भविष्य बनाना है। इसीलिए साईं बाबा अपने भक्तों को मार्ग दिखाने का काम करते हैं, राह दिखाने का काम करते हैं, जीवन में लक्ष्य पाने का काम करते हैं। क्योंकि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ये बहुत बड़ी विचारधाराएं हैं। पहले इस विचारधाराओं को समझो, अच्छी तरह से परख लो, जान लो और फिर अपने कार्य को शुरू करो। मैं कहना चाहता हूं आज साई क्रिया अपने जीवन में क्रांति करेगी। साई क्रिया अपने जीवन में क्रांति तभी कर पाएगी जब जीवन में कुछ करने की क्षमता रखने की उनकी नौबत हो। एक चीज यहां मैं कहना चाहता हूं कि ये क्षमता गलत नौबत ना आए, कुछ गलतियां हमसे ना हुए, इसीलिए अपने को अध्यात्म को खुली आंख खोल के देखना चाहिए ताकि कुछ गलत मार्ग से जाने से हमें तकलीफें होती है।
दूसरों का भविष्य बताने वाले खड्डे में नहीं गिरते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना अगर है तो अपने पे भरोसा रखो। सबसे पहला है धर्म, बहुत बड़ा है धर्म, और धर्म सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, जितने भी मजहब इस हिंदुस्तान में है, विश्व में है, वो अपने अपने कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना किसी विचारधारा के प्रति आदमी कभी आगे नहीं जा पाता। जो ऐसे ही जीता है ना, वो टूटी हुई पतंग जैसा होता है, कहीं भी उड़ जाता है। पतंग टूटी नहीं होनी चाहिए, उसकी दौर अपने हाथ में होनी चाहिए, जिंदगी की दौर भी अपने हाथ में होनी चाहिए। और जब अपने हाथ में वो दौर होती है, आपको कोई नहीं रोक सकता, जहां चाहे वहां आप पतंग उड़ा सकते हो। इसका मतलब है धर्म। अर्थ जरूर कमाओ, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूं। गलत नीतियों से कभी मत कमाना, क्योंकि वो टिकता कभी नहीं है। आप चोरी करके पेट भर सकते हो, अमीर नहीं बन सकते। अगर जो अमीर बनेगा वो कभी गलत रास्ते से नहीं बनेगा, मेहनत करने से, पसीना बहाने से, और अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए वो चलेगा, तभी वो पहुंच जाएगा। इसी को कहते हैं विचारधारा, इसी को कहते हैं क्षमता। अर्थ कमाना ही चाहिए, क्योंकि उसी में ही एक पुरुषार्थ है। काम, काम का मतलब सिर्फ वासना के पीछे भागना नहीं है, अपना पुरुषार्थ को सिद्ध करना है। वो पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए अपने को लक्ष्य रखना पड़ेगा जीवन के प्रति, और वो लक्ष्य है अपने कार्य के प्रति आगे जाना। उसी को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। भाई और बहनों, इस बात को आप ठीक से समझो। और तीसरा है मोक्ष। मोक्ष कभी मिलता है? कुछ कुछ लोग जिंदगी में बहुत धर्म का पारायण करते हैं, बाद में वो अर्थ के पीछे इतना भागते कि उसमें अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना अमीर हूं, इतना इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा हूं। उसके पास इतना अहंकार आ जाता है, उसको शायद ये पता नहीं कि उसकी सांस जब बंद होगी तो सब कुछ वो यही छोड़ के जाने वाला है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, साई वाणी को जो इंसान सुनेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। हर चीज में लिमिट में करने की उसको आदत लगेगी, वो एक सक्सेसफुल और प्रगल्भ इंसान होगा, क्योंकि वो साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया हुआ एक प्रगल्भ इंसान है, मैच्योर्ड इंसान है। और वो इंसान की निर्मिति करना, इस देश को विकास के प्रति, उनके जीवन में बदलाव लाना, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड बदलना, और उनके जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सक्सेसफुल जीवन। कभी कभी बहुत अमीर लोग भी सुसाइड तक पहुंचते हैं। मैं आज खासकर सभी को विनती करना चाहता हूं कि ये गलत कदम अपनी जिंदगी में कोई भी ना उठाए, कोई भी ना उठाए, क्योंकि जिंदगी अपने कोई हाथ में नहीं है, भगवान ने दी हुए, भगवान देख लेंगे, चिंता किस बात की कर रहे हो। दुख आया तो मरना थोड़ी ना है, ये थोड़ी रास्ता है उसका। नहीं भाई और बहनों, इस बात को आप समझो कि जीवन में लक्ष्य को पाना है तो आपको चलना पड़ेगा। लक्ष्य को पाना है तो दौड़ना नहीं बल्कि चलना पड़ेगा। ना रुकना है ना दौड़ना है, सिर्फ चलना है। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। कुछ पाने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साई क्रिया। इस ध्यान के प्रति उठो, सांस पे ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया के बारे में कहना इतना महत्वपूर्ण है कि ध्यान आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा लेगा, क्योंकि ध्यान करने वाला इंसान ही बहुत ही अपने चित्त पे एकाग्र हो सकता है, और यही एकाग्र हुआ चित्त उसको आखिरी तक पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ध्यानी व्यक्ति ही जीवन में सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि ध्यान की शक्ति ही जीवन में सबसे ऊपर उठाने वाली शक्ति है। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण है साई क्रिया के बाद साई ध्यान के प्रति चलना, मतलब मन में एक भी विचार न आते हुए एक घंटा उसी समय पे उसी काम पे पूरी तरह से मन और शरीर, बुद्धि और विचार को एक तरफ लेके जाना। और उसको किस तरह से लेके जाना है, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ भी चीजें मुश्किल नहीं है अगर आप तन मन धन से करना चाहोगे। तन मतलब शरीर, मन मतलब मन और शरीर एक ही तरह पे लगना, और धन मतलब पूरी ताकत लगा के उसको, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत बार, अगर किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहोगे ना तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। यस, सच है, बहुत सच है। भक्ति शक्ति के साथ होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ होनी चाहिए, समर्पण के साथ होनी चाहिए, और उसी विचारधारा के प्रति होनी चाहिए
कि जो वो चीज करते समय मन में एक भी द्विधा का विचार ना आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं भाई और बहनों आज आपको कहने जा रहा हूं। आपको उठना है और लक्ष्य के प्रति चलना है। ये लक्ष्य आपको पाएगा तभी आप जिंदगी में कहीं पहुंच सकते हो, नहीं तो बैलगाड़ी को दोनों तरफ से बैल लगाओगे, बैलगाड़ी कहीं भी नहीं जा पाएगी। उसी प्रकार अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो हर चीज में उसी प्रकार करो कि मोक्ष को प्राप्त करना है, मतलब अपने जीवन को सफल करना है। कुछ लोग आपने देखे हर धर्म में अति करने वालों का जो अंतिम पड़ाव है वो बहुत बुरा है। कुछ लोग बहुत इतने, गौतम बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए उसके पहले वो 6 साल एक चावल का दाना खा के रहते थे और पूरी तरह से थक गए। निरंजना नदी को पार करने लगे तो छोटे से घुटने तक के पानी में वो गिर पड़े, वो पार नहीं कर पाए। वहां से जब एक औरत पेड़ को चढ़ाने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए खीर लेके आई थी, तो उसको लगा मैं पेड़ पे चढ़ाने से अच्छा है कि मैं इस सूखे इंसान को दे दूं, भूखे इंसान को दे दूं। और वो खीर खाने के बाद उनके शरीर में ताकत आ गई और उसी दिन उन्होंने, उनको रात को ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई और बहनों, किसी भी चीज का अतिरेक करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं आओ मेरे शरण में आओ, लेकिन 24 घंटा मेरा नाम स्मरण करो। लेकिन 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठने से कुछ भी नहीं होता। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। अंदर की आत्मविश्वास एक बार बढ़ जाता है, जिसका आत्मबल बड़ा होता है वो कभी नकारात्मक नहीं सोच सकता। उसके जीवन में कभी कोई करनी, कोई बाधाएं नहीं आ सकती। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं हमारे घर पे, हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे किसी ने कुछ किया है। अरे तूने ही किया है, तू तेरे जीवन का हकदार है। अगर अंगुली मार का भगवान अंगुली मार हो सकता है तो तू तो इतना बुरा इंसान नहीं है। जिंदगी में कुछ करने के लिए आपको सिर्फ बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और उसके ऊपर चलने के लिए आप अटिक होने चाहिए। आपकी दृढ़ता ही बहुत कुछ करने के लायक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप कहीं बाहर मत ढूंढो। जो भी आपको करना है साई वाणी सुनने के बाद साई ध्यान और साई क्रिया, साई क्रिया के बाद साई ध्यान करोगे, जीवन में बदलाव लाएगा। और साई की भक्ति हमेशा साई चरित्र में एक ही बात कहती है कि मैं मेरे भक्तों के लिए 24 घंटा जो अवेलेबल हूं, लेकिन मेरे भक्त ने, मैंने दी हुई संहिता के प्रति चलना है। और आज मैं उसकी साई गीता आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। जो कल का एपिसोड आएगा वो साई बाबा ने जीवन में कैसे जीना चाहिए, संकट के समय कैसे रहना चाहिए, कौन सी पूजा हर दिन करनी चाहिए। और अपने जीवन में विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, कामगार होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, उन सब ने कैसे जीना चाहिए इसके ऊपर लेके आने वाला हूं। उठो और आज से मेरे साथ जुड़ो। साई वाणी को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और ये जय की भूमि, ये क्रांति की भूमि है शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद। साई आंगन से साई क्रिया और साई ध्यान का ये प्रयोग और आज साईवानी trust.org के माध्यम से किया हुआ ये प्रारंभ जारी रहेगा। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपके जीवन में क्रांति लाना यही डॉक्टर एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी का जीवन का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें सबको जुड़ना है और क्रांति करनी है। इसीलिए मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आज के बाद साईवानी को सिर्फ ना सुने तो हमारे साई क्रिया में, साई ध्यान में समाविष्ट हो जाए। और ये करते समय हमारे शिक्षकों के साथ संपर्क करें और हर दिन भक्ति के साथ शक्ति भजन, साई के जो भजन मैं आपको बता रहा हूं वो भजन के प्रति एकदम विश्वास के साथ जुड़े, क्योंकि वो ही विश्वास जिंदगी में क्रांति ला सकता है। हर कदम कदम पे आपको चलना है, क्योंकि एक एक कदम से ही आप पहुंच जाओगे, वरना एक जगह पे रुकोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए उठो, प्रारंभ करो और जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम।